नमस्कार दोस्तों, हमें आपको सबको याद है कि क्रिकेट विश्व कप 1983 भारत ने अपने नाम किया था, जिसमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, मदन लाल जैसे खिलाड़ी शामिल थे। लेकिन हम भूल रहे हैं कि एक टीम मैनेजर भी होता है जो टीम को मैनेज करता है। और आज हम सन 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के टीम प्रबंधक पी.आर. मान सिंह के बारे में बात करेंगे। पी.आर. मान सिंह का जन्म सन 1937-38 के करीब हुआ था। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ ब्रेक गेंदबाज थे। इन्होंने अपने करियर में केवल 5 प्रथम श्रेणी के मैच खेले, जबकि एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। अपने इस छोटे से करियर के बाद मान सिंह प्रशासक बन गए। इन्होंने सन 1978 में पाकिस्तान के दौरे पर भारत के लिए सहायक टीम प्रबंधन यानी असिस्टेंट मैनेजर का काम किया। इसके बाद इन्हें 1983 क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम मैनेजर के रूप में चुना गया, जो BCCI की आम सभा मतदान में निरंजन शाह पर 15-13 से जीत हासिल करने के बाद इन्हें ये पद मिला। इस टूर्नामेंट के लिए कपिल देव को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया था, सैयद किरमानी को विकेटकीपर और पी.आर. मान सिंह को टीम मैनेजर के रूप में चुना गया था। इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के लिए रवाना हुई थी और रिजल्ट तो आपको पता ही है, क्या बार बार दोहराया जाए। मान सिंह का एक बड़ा योगदान रहा था टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत में। दरअसल बात यह है कि विजडम क्रिकेट मंथली नामक पत्रिका के संपादक डेविड फ्रिट ने अपने इस पत्रिका में लिखा था कि भारत ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकता है, लेकिन मान सिंह की इस टीम ने इस भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। उसके बाद पी.आर. मान सिंह ने डेविड फ्रिट को भी एक पत्र लिखा था। मान सिंह साल 1987 में भी भारतीय टीम के मैनेजर रहे, जिनके प्रबंधन में टीम 1987 विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। बाद में इन्होंने मद उद दौला टूर्नामेंट में हैदराबाद ब्लूज टीम के भी टीम मैनेजर बने थे। मान सिंह ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव के रूप में भी कार्य किया था।